नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड बीजेपी के विधायक दल की बैठक आज, मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। कल 3 बजे देहरादून में होगा शपथ ग्रहण समारोह। राज्यों से जुड़े विधेयकों को जीएसटी परिषद की मंजूरी। अगले हफ्ते कैबिनेट की लग सकती है मुहर। वित्त मंत्री ने कहा 1 जुलाई से लागू होने की बड़ी उम्मीद। आतंक को शह देने वाले देशों से कड़ाई से निपटे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान, आतंकवाद की व्यापक परिभाषा में राज्य समर्थित समूहों और देशों को शामिल करने पर भी जोर। हजरत निजामुद्दीन दरगाह के 2 धर्मगुरु पाकिस्तान में लापता। विदेश मंत्रालय ने मांगी जानकारी। लाहौर में जियारत के लिए गए थे आसिफ निजामी और नाजिम निजामी। और रांची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की शानदार शुरुआत। कप्तान स्मिथ ने जड़ा शतक। दूसरे दिन 4 विकेट पर बनाए 299 रन के। आगे खेलेगी मेहमान टीम। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक होनी है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो सकता है। दोपहर 3 बजे होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव आलाकमान और विधायकों की सहमति से होगा। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर और सरोज पांडे के साथ साथ कुछ वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में कल शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। शनिवार दोपहर 3 बजे देहरादून में मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 70 में से 57 सीटों पर कब्जा किया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी कल फैसला करेगी। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कल आसानी से शक्ति परीक्षण में विश्वास मत हासिल कर लिया। उनके विरोध में 16 जबकि पक्ष में 22 विधायकों ने वोट किए। विश्वास मत हासिल करने के बाद पर्रिकर ने कांग्रेस के जोड़तोड़ के दावों का खंडन किया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पैसे का इस्तेमाल करके सरकार बनाने का आरोप लगाया। इस बीच एनसीपी ने पर्रिकर के पक्ष में वोट करने के लिए पार्टी विधायक चर्चिल अलेमाओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। विधानसभा में हुए शक्ति परीक्षण में पर्रिकर को 22 विधायकों का समर्थन मिला। बीजेपी के 12 विधायकों के साथ ही गोवा फॉरवर्ड पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के 3-3 विधायकों ने विश्वास मत के पक्ष में वोट किया। एनसीपी के 1 विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों ने भी पर्रिकर के पक्ष में वोट किया। विश्वास मत हासिल करने के बाद पर्रिकर ने कहा कि विरोधियों ने जो भी आरोप लगाए वो सारे गलत साबित हुए। 23 on our side, we had KMD tried in the beginning and we proved on the floor of the house that 23 stood by us. The first one to have a coalition with 10 members from my side, which lasted for full term. सरकार के विरोध में कांग्रेस के 16 विधायकों ने वोट किया। वहीं कांग्रेस विधायक विश्वजीत राणे वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे। बाद में उन्होंने पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया। I have today submitted my resignation from the as a member of the assembly after taking oath, and I have also submitted my resignation as a member of the primary member of the Congress party. इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर धन बल से सरकार बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी गोवा में, मणिपुर में, पंजाब में चुनाव जीती थी। बीजेपी ने पैसा का प्रयोग किया। मणिपुर में, गोवा में सरकार चोरी की है। गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 17 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन 13 सीट जीतने वाली बीजेपी ने राज्यपाल के सामने 22 विधायकों के समर्थन की बात कहते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया था। कांग्रेस ने इसे गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पर्रिकर के शपथ लेने पर रोक लगाने से मना कर दिया था, लेकिन 16 मार्च तक शक्ति परीक्षण करने का आदेश दिया था। पहले राज्यपाल की ओर से शक्ति परीक्षण के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया था। मनोहर पर्रिकर 4थी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल पंजाब की कमान संभाल ली है। चंडीगढ़ में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
नवजोत सिंह सिद्धू और मनप्रीत बादल समेत 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरिंदर सिंह को बधाई दी है। 10 साल बाद पंजाब में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चंडीगढ़ में हुए समारोह में राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आई अमरिंदर सिंह डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया दैट आई विल फेथफुली एंड कॉन्शियंसियसली डिस्चार्ज माय ड्यूटीज एज द चीफ मिनिस्टर फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब। अमरिंदर सिंह के अलावा 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्रियों में ब्रह्म मोहिंद्रा, नवजोत सिंह सिद्धू, मनप्रीत सिंह बादल के अलावा तृप्त रजिंदर बाजवा, साधु सिंह धर्मकोट, राणा गुरजीत और चरणजीत सिंह चन्नी शामिल हैं। 2 महिला विधायकों अरुणा चौधरी और रजिया को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। हमारे प्रोग्राम है जो हमने अपने मैनिफेस्टो में डाले हुए हैं वो हम जब काम शुरू होगा कल तक या मंडे से तो ये सारी बातें हम लेके आए और जल्दी ही जो पहले कैबिनेट में कई इसमें मसले हैं वो तो पास करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। पंजाब में हर एक व्यक्ति को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में भरोसा किया है और अमरिंदर सिंह जी को चीफ मिनिस्टर बनाया है। दिल से अमरिंदर सिंह जी और हम सब पंजाब के लिए काम करें। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटें मिली हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 20 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर रही। वहीं शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन को 18 सीटें ही हासिल हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शपथ लेने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने साथ शपथ लेने वाले 9 कैबिनेट मंत्रियों का विभाग आवंटित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अपने पास रखा है। इसके साथ सामान्य प्रशासन, व्यक्तिक कार्य, सतर्कता, गृह और न्याय के अलावा मुख्यमंत्री के पास वो सभी विभाग भी रहेंगे जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। मनप्रीत सिंह बादल को वित्त मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें योजना और रोजगार सृजन विभाग भी सौंपा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत पहले की अकाली सरकार के दौरान 2007 में भी वित्त मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में पहुंचे पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू को स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग का प्रभार सौंपा गया है। सिद्धू को कला, संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालयों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ब्रह्म मोहिंद्रा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा के साथ संसदीय कार्य की जिम्मेदारी संभालेंगे। साधु सिंह धर्मसोट को वन, प्रकाशन, लेखन सामग्री और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण का जिम्मा सौंपा गया है। त्रिपत राजेंद्र सिंह बाजवा को ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि राणा गुरजीत सिंह कृषि और ऊर्जा विभाग संभालेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण का कामकाज देखेंगे। अरुणा चौधरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। उन्हें उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। रजिया सुल्ताना को भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। रजिया सुल्ताना को लोक निर्माण विभाग, सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 24 मार्च है। 27 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 29 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 12 अप्रैल को और वोटों की गिनती 15 अप्रैल को होगी। पीडीपी ने मुफ्ती तसद्दुक हुसैन को अनंतनाग से मैदान में उतारा है, जबकि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साझा उम्मीदवार हैं। वहीं श्रीनगर सीट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साझा उम्मीदवार हैं, जबकि पीडीपी ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए नजीर अहमद खान को उम्मीदवार बनाया है। श्रीनगर सीट पर 9 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा उपचुनाव के अलावा राज्य की 6 विधान परिषद सीटों के लिए भी 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ करना मुमकिन नहीं है।
ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी को लेकर आयोग ने बीएसपी प्रमुख मायावती और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावों को खारिज किया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के नतीजों के आधार पर इन दोनों नेताओं ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। आयोग का कहना है कि राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों की ओर से ईवीएम में छेड़छाड़ की कोई शिकायत नहीं मिली है। साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि किसी राजनीतिक दल से ऐसी आकांक्षाओं को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। आयोग का कहना है कि अभी तक कोई भी शख्स ये साबित नहीं कर पाया है कि भारत में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल के एमसीडी चुनाव में बैलेट पत्र से वोटिंग कराने की मांग खारिज कर दी है। एआईएडीएमके नेताओं ने कल चुनाव आयोग से मुलाकात की। इसमें ओपनीर सेल्वम गुट की ओर से चुनाव चिन्ह पर दावे को गलत बताया गया। पार्टी नेता एम थंबीदुरई ने साफ किया कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं हुआ है। उन्होंने महासचिव पद के लिए नए चुनाव कराने की मांग का भी विरोध किया। पन्नीर सेल्वम ने कल चुनाव आयोग से मुलाकात करके पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा जताया था और महासचिव पद पर शशिकला की नियुक्ति को अवैध बताया था। उधर डीएमके ने चुनाव आयोग से चेन्नई के पुलिस कमिश्नर का तबादला करने की मांग की है। पार्टी ने आरके नगर उपचुनाव के रिटर्निंग अधिकारी को बदलने की अपील भी की है। आरके नगर सीट पर अगले महीने चुनाव होना है। जयललिता के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। राज्यसभा में कल शून्यकाल में गेहूं पर आयात शुल्क हटाने का मुद्दा उठा। जेडीयू सांसद शरद यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए किसानों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया। विपक्ष ने सरकार से गेहूं के आयात को शुल्क मुक्त किए जाने के फैसले को वापस लेने और किसानों को वाजिब दाम देने की मांग की। सरकार ने इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। सदन में गुरुवार को किसानों की स्थिति पर चिंता जताई गई। जेडीयू सांसद शरद यादव ने शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया, जिस पर कई सांसदों ने उनका समर्थन किया। उन्होंने नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिसे आसन की ओर से शून्यकाल में उठाए जाने वाले विषय के तहत अनुमति दी गई। गेहूं के आयात को शुल्क मुक्त किए जाने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से किसान को हताशा में बाजार में औने पौने दाम पर गेहूं बेचना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से तत्काल इस मामले में दखल देने की मांग की। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रोक्योरमेंट जो है वो सीमित जगह होता है, वो पूरे देश में नहीं होता। इसके चलते देश भर में जो है वो डिस्ट्रेस सेल बड़े पैमाने पर होने वाला। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी और समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने भी इस मामले पर चिंता जताई। साथ ही गेहूं के आयात पर रोक लगाने और किसानों को उचित मूल्य देकर उन्हें प्रोत्साहित करने की मांग की। They are importing from outside at a higher price, giving our farmer less than the MSP. किसान आत्महत्या कर रहा है, ये गलत पॉलिसीज की वजह से। इसको चेंज करे गवर्नमेंट, यहाँ इसको प्रोत्साहन दे, यहाँ जो उत्पादन हो। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सरकार का बचाव किया। उन्होंने नोटिस देकर इस मामले पर चर्चा की बात कही। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश है। पिछले साल बाजार में गेहूं के बेतहाशा बढ़े दामों के मद्देनजर सरकार ने गेहूं पर लगे 25% आयात शुल्क को सितंबर 2016 में घटाकर 10% कर दिया था। हालांकि पिछले साल दिसंबर में गेहूं पर लगे 10% का आयात शुल्क हटा दिया गया था। तब से करीब 55 लाख टन गेहूं आयात किया जा चुका है। इस साल गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ करीब 9 करोड़ 66 लाख टन पैदावार होने का सरकारी अनुमान है, जबकि पिछले साल देश में करीब 9 करोड़ 22 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। किसानों को आशंका है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो उन्हें कटाई के लिए तैयार खड़ी गेहूं की फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किए वादे के मुताबिक सरकार प्रदेश के छोटे किसानों का कर्ज माफ करेगी। लोकसभा में कल कृषि मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र के सहयोग से सभी प्रदेशों के राज्य सरकारों को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। कई दलों के सदस्यों ने सरकार से पूरे देश में किसानों के कर्ज को माफ करने की मांग की। लोकसभा में गुरुवार को कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा की गई। चर्चा के जवाब में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सरकार का मकसद किसानों की आय को दोगुना करने से संबंधित योजनाएं लागू करने की है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से सभी राज्य सरकारों को छोटे किसानों का कर्जा माफ करने की पहल करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की कोई सरकार यदि एक काम करती है कि वो भी जो 4% देना पड़ता है किसान को अपने खजाने से दे देगा और लघु और सीमांत किसानों को कर्जा भी माफ कर देगा, तो इसकी आलोचना करने से तो अच्छा है कि उस राज्य का अनुकरण करें जैसे कर्नाटक का अनुकरण अन्य राज्यों ने किया। इससे पहले कई सांसदों ने देश में प्राकृतिक आपदा के चलते फसल बर्बाद होने की स्थिति पर चिंता जताई, साथ ही किसानों की खुदकुशी का मुद्दा उठाया। सदस्यों ने सरकार से पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ करने की मांग की। आज जब आप कहते हैं कि किसानों को आप कर्ज माफ करेंगे, क्या अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत का एक पक्ष नहीं है? देयर इज नो लोन वेवर और कंपनसेशन अनाउंस्ड फॉर डैमेजेस ड्यू टू ड्रॉट और डिमोडेशन, व्हेयर एज लाख्स ऑफ रुपीस आर गिवन कंपनसेशन टू द कॉर्पोरेट्स। अगर आरबीआई कहती है और हम एक प्रदेश में करते हैं, क्यों नहीं कदम उठाया जाए कि पूरे देश के अंदर कर्जा माफी हो? When fact speaks in this fashion, how would the government dream of doubling the farmers' income? कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के जवाब के बाद साल 2017-18 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों को सदन से मंजूरी मिल गई। रविंद्र सिंह शिवरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। भारत ने श्रीलंका नौसेना की कथित गोलीबारी में एक भारतीय मछुआरे की मौत पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत की चिंताओं को ध्यान रखते हुए श्रीलंका ने इस मामले की जांच शुरू की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल संसद को बताया कि श्रीलंका में कैद सभी मछुआरों की रिहाई हो गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी और उनकी रिहाई की कोशिशों पर बयान दिया। विदेश मंत्री ने बताया कि श्रीलंका नौसेना की ओर से कथित तौर से भारतीय मछुआरे की हत्या का मुद्दा पड़ोसी देश के साथ उठाया गया है। श्रीलंका नौसेना ने फायरिंग से इनकार किया है, इसके बावजूद भारत ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका सरकार गोलीबारी की जांच कर रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में फिलहाल 301 भारतीय मछुआरे कैद हैं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 77 मछुआरों की कस्टडी की बात ही मान रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में मछुआरों की पहचान और रिहाई के लिए एक तंत्र बना हुआ है, साथ ही मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के बारे में भी जागरूक किया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड्स हैव आल्सो बीन अंडरटेकिंग एनहांस्ड पेट्रोलिंग इन द इंडियन वाटर्स, इंक्लूडिंग टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन फिशरमैन एंड कीप देम आउट ऑफ हार्म्स वे। The government continues to monitor the status of the Indian fishermen in Pakistan custody with a view to secure their early release and repatriation. बीते दिनों श्रीलंका नौसेना ने भारतीय मछुआरों की एक नौका पर कथित तौर से गोलीबारी की थी। इसमें एक मछुआरे की मौत हो गई थी। पाकिस्तान ने 4 मार्च को 70 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया था। पंचानन मिश्रा के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में कल जीएसटी परिषद की अहम बैठक हुई। इसमें राज्य जीएसटी और केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी बिल को मंजूरी मिल गई है। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में सीजीएसटी, आईजीएसटी और मुआवजा के अंतिम मसौदे को मंजूरी दी गई थी। सरकार अब अगले हफ्ते कैबिनेट की बैठक में जीएसटी बिलों को मंजूरी दे सकती है और संसद के मौजूदा सत्र में ही जीएसटी बिल को पारित कराने की तैयारी है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 31 मार्च को दिल्ली में होगी। To all the 5 legislations, that is the CGST, IGST, SGST, compensation and the UTGST law. So all these laws now stand approved. Laws under the Constitution Amendment approved by the Cabinet, by the GST Council, will now be taken to the Cabinet and after the Cabinet's formal approval, they'll be taken, introduced in the Lok Sabha. छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित नारायणपुर जिले में पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। गुरुवार को नारायणपुर थाना क्षेत्र के कोचवाही गांव के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को खबर मिली थी कि कुकड़ाझोड़ के पास नक्सली सुरक्षा बल पर हमला करने की फिराक में है। जब पुलिस दल कोचवाही गांव के करीब पहुंचा तो नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस दल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। करीब आधे घंटे तक चली मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए, जबकि बाकी के नक्सली घटनास्थल से फरार हो गए।
इलाके से हथियार और बम बरामद हुए हैं। तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। दूसरी तरफ नारायणपुर जिले में ही कल 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्होंने हिंसा को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला किया है। उनके ऊपर नक्सलियों ने अचानक फायरिंग खोल दी और फायरिंग के बाद लगभग फायरिंग आधे घंटे के आसपास फायरिंग चली और फायरिंग के बाद दो मेल डेड बॉडी मिली हुई है और उनके साथ दो राइफल भी मिली हुई, एक राइफल है, एक देसी कट्टा है और हम लोग इलाके में भी और सर्चिंग कर रहे हैं। भारत ने आतंकवाद को शेयर देने वाले देशों और राज्य समर्थित समूहों पर कार्रवाई किए जाने पर जोर दिया है। दिल्ली में आतंकवाद निरोधक सम्मेलन में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद की व्यापक परिभाषा में राज्य समर्थित संगठनों और देशों को शामिल किया जाना चाहिए जो आतंकी समूहों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद की पहचान और ऐसे राज्य प्रायोजित समूहों को अलग थलग किया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने यह कहा कि हिंद महासागर से 36 देशों की सीमाएं लगती हैं और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से तय आतंकवाद की व्यापक परिभाषा को स्वीकार करना होगा। आतंकवाद की कंप्रेहेंसिव डेफिनेशन में स्टेट सपोर्ट ग्रुप्स को भी शामिल किया जाए। ऐसे देश जो लगातार सक्रिय रूप से ऐसे समूहों को समर्थन दे रहे हैं एवं प्रायोजित कर रहे हैं उन्हें यूनाइटेड नेशंस द्वारा स्वीकार किए गए इस कंप्रेहेंसिव डेफिनेशन की परिधि में भी लाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। स्थिति को बदलने की कोई कोशिश हमें मंजूर नहीं होगी। उनका यह बयान उन खबरों के सामने आने के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को पांचवा प्रांत बनाने की तैयारी कर रहा है और सरताज अजीज की अध्यक्षता में बनी समिति ने इस बारे में प्रस्ताव दिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इस तरह के किसी भी कदम को अवैध करार दिया है। साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर भी गंभीर चिंता जताई। अभी पाकिस्तान क्षेत्र को अलग भौगोलिक इकाई मानता है। उधर पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत के साथ कश्मीर समेत सभी विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत करने को तैयार है। The entire state of Jammu and Kashmir is an integral part, has been an integral part, and will be an integral part of India. And no attempt, no unilateral attempt or step to change that or attempt to change that would have any legal basis whatsoever. And of course, it will be entirely unacceptable. पाकिस्तान में लापता हुए हजरत निजामुद्दीन दरगाह के दो धर्मगुरु का अभी तक पता नहीं चल पाया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से इस मामले में जानकारी मांगी है। इधर लापता धर्मगुरु के परिजनों ने कहा है कि उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। पीटीआई के मुताबिक दोनों धर्मगुरु आसिफ निजामी और नाजिम निजामी पाकिस्तान के लाहौर में दाता दरबार दरगाह पर गए थे। नेपाल के उप प्रधानमंत्री बिमलेन्द्र निधि ने कल गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत नेपाल सीमा पर ताजा स्थिति पर चर्चा की। गृहमंत्री ने लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा के पास एक नेपाली नागरिक की मौत पर दुख जताया। गृहमंत्री ने बताया कि भारत इस मामले में निष्पक्ष जांच कर रहा है। आरोपी की सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की गोलीबारी में नेपाली नागरिक की मौत हुई। हालांकि एसएसबी ने गोलीबारी से इनकार किया है। गृहमंत्री ने एसएसबी और नेपाल के आर्म्ड पुलिस फोर्स के बीच संवाद बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी यात्रा प्रतिबंध मामले पर कोर्ट से फिर झटका लगा है। आदेश लागू होने के एक दिन पहले ही मैरीलैंड और हवाई की अदालतों ने इस पर रोक लगा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित यात्रा बैन के प्रभावी होने से कुछ घंटे पहले इस पर रोक लगा दी गई। हवाई कोर्ट का कहना है कि संशोधन के बाद भी आदेश भेदभावपूर्ण है। यह अमेरिका के लोकतांत्रिक और मानवाधिकार मूल्यों के खिलाफ है। We felt compelled to assure that we will not tolerate discrimination on the basis of national origin or religion because that truly goes against the very essence of what makes Hawaii a very special place.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 6 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका में दाखिल होने पर 90 दिन की पाबंदी लगाना चाहते हैं। साथ ही शरणार्थियों पर भी 120 दिन के लिए प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। ये आदेश गुरुवार रात से लागू होना था। इससे पहले जनवरी में भी राष्ट्रपति ट्रंप के इसी तरह के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले बजट में विदेशी सहायता में भारी कटौती करने की बात कही है। इसमें संयुक्त राष्ट्र को दी जाने वाली मदद भी शामिल है। कल पेश हुए बजट खाके में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को 25% से ज्यादा मदद नहीं देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा कुल विदेशी सहायता में 28% की कटौती का भी प्रस्ताव रखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव का अमेरिका से भारी मदद हासिल करने वाले पाकिस्तान और इसराइल जैसे देशों पर बुरा असर पड़ सकता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ऐसा करने से संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर असर पड़ेगा। सीरिया के अलेप्पो प्रांत में हुए हवाई हमले में 42 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। हमला अलेप्पो के अल जिनेह गांव में एक मस्जिद में हुआ। मानवाधिकार के लिए काम करने वाली संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने यह जानकारी दी है। संस्था के मुताबिक हमले के वक्त बड़ी तादाद में लोग मस्जिद में मौजूद थे। मारे गए ज्यादातर नागरिक हैं, हालांकि अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। कुछ ही दिन पहले राजधानी दमिश्क में हुए आत्मघाती बम धमाके में 31 लोगों की मौत हो गई थी। और बात क्रिकेट की, रांची में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट खोकर 299 रन बनाए हैं। पहले सत्र में टीम इंडिया हावी रही। ऑस्ट्रेलिया के पहले 3 विकेट 89 रन पर गिर चुके थे। हालांकि आखिरी 2 सत्र में कप्तान स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल ने शानदार बल्लेबाजी की। स्मिथ ने शतक पूरा किया। अपने 76 रन पूरे करते ही स्मिथ ने करियर में 5000 रन भी पूरे कर लिए। स्मिथ 117 रन और मैक्सवेल 82 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। उमेश यादव को 2 विकेट जबकि अश्विन और जडेजा को एक-एक विकेट मिला है। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह ऐतिहासिक 800वां टेस्ट है। 4 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें एक-एक मैच जीत चुकी हैं। वहीं खराब फॉर्म से जूझ रहे कप्तान विराट कोहली के कंधे में चोट की आज रिपोर्ट जारी की जाएगी। और बात खास शख्सियत की, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की आज जयंती है। 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में जन्मी कल्पना ने स्नातक तक की पढ़ाई की और स्नातक की पढ़ाई उन्होंने चंडीगढ़ से ही की। 1984 में टेक्सास से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कोलोराडो से पीएचडी की। कल्पना 1988 में नासा में शामिल हुई। कल्पना 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। उन्होंने 1998 में अपनी पहली उड़ान भरी। पहली यात्रा के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में 372 घंटे बिताए और पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं पूरी की। कल्पना ने अंतरिक्ष के लिए दूसरी उड़ान कोलंबिया शटल से 2003 में भरी। धरती पर वापस लौटते हुए 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया। इस घटना में कल्पना के साथ 6 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की भी मौत हो गई। और अब आखिर में हेडलाइंस। उत्तराखंड बीजेपी के विधायक दल की बैठक आज, मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। कल 3 बजे देहरादून में होगा शपथ ग्रहण समारोह। राज्यों से जुड़े विधेयकों को जीएसटी परिषद की मंजूरी, अगले हफ्ते कैबिनेट की लग सकती है मुहर। वित्त मंत्री ने कहा 1 जुलाई से लागू होने की बड़ी उम्मीद। आतंक को शह देने वाले देशों से कड़ाई से निपटे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान। आतंकवाद की व्यापक परिभाषा में राज्य समर्थित समूहों और देशों को शामिल करने पर भी जोर। हजरत निजामुद्दीन दरगाह के 2 धर्मगुरु पाकिस्तान में लापता, विदेश मंत्रालय ने मांगी जानकारी। लाहौर में जियारत के लिए गए थे आसिफ निजामी और नाजिम निजामी। रांची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की शानदार शुरुआत, कप्तान स्मिथ ने जड़ा शतक, दूसरे दिन 4 विकेट पर बनाए 299 रन के आगे खेलेगी मेहमान टीम। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए विशेष। नमस्कार।